and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. No more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. तो और भाई लोग कैसे हो यार, मैं चुका हूँ ये वीडियो लेकर। यार इस वाली वीडियो में ना तुमको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार इस वाली वीडियो में जो नया हॉट ड्रॉप निकला है उसमें हम उतरे, और भाई देखो उधर पे हमारे साथ स्क्वाड भी उतरी है, और तो भाई उसमें मज़ा भी आने वाला है। तो भाई देखते जाए उतरते मुझे मिलते स्कॉर्पियन जो कि पिस्तौल है, उसके बाद भाई M16 मिली जाती है, और मेरा बंदा नियत्ता और इधर UMP वाला बंदा आता है, भाई क्या ही भरते हैं इसको। तो भाई इसको भरने के बाद ख़त्म भी कर डालते हैं फटाफट से, और भाई ख़त्म करने के बाद ही भाई मेरा टीममेट बोलता है यार उसे बंदा चढ़ने वाला है, तो भाई मैं सीधा उस पर उस पर जाके चढ़ जाता हूँ। क्या करें भाई, तो भाई आराम से इसको भी नॉक कर देता है, भाई क्या ही नॉक किया भाई। तो भाई नॉक करने के बाद जो इसको बेचारे को शॉटगन मिली रहती है, भाई बंदा रश मारने के मूड में। तो भाई उसके बाद जो थोड़ी सी ढूंढाई करने के बाद भाई ऑटो गन कारन मिल ही जाती है। तो भाई मतलब मेरा मतलब बंदा भाई देख रहे हो भाई, मतलब देखो मैंने इधर पे छोड़ा फ्लैश एडर ताकि मुझे मिल सके कंपनसेटर, तो भाई मेरे टीममेट ने मोटर उठा ले, उसके बाद बोल रहे एमओ दे, मतलब भाई भाई शर्म करनी चाहिए भाई, शर्म करनी चाहिए भाई, होनी चाहिए शर्म, करो शर्म करो, सीखो, डरो डरो भगवान से डरो, भोसड़ी वालों डरो। तो भाई इसके बाद जो इन सब की पेटियाँ पुटियाँ चेक करता हो भाई कुछ तो रहता है नहीं, तो भाई ये मेरा टीममेट मतलब बोलता है मैं कौन हूँ, तो उसके बाद भाई निकलने वाला रहता। तो भाई मैं थोड़ा सा मतलब ट्राई कर रहा था यही थोड़ा ऑटो स्प्रे दे पाता हूँ कि नहीं, मतलब चाइनीज क्रोज की तरह भाई कोशिश करना पड़ता है भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे PN भैया कतई मतलब उतरते ही भाई इनको तो एकदम ये मिल चुका था भाई फ्लेयर, तो भाई वो फ्लेयर चला थी, तब देखो गेस करो फ्लेयर से कौन सी गन मिल सकती है भाई, करो गेस करो। भाई पता नहीं क्यों अभी ये लग रहा है ना ये फ्लेयर ना बहुत स्लो मोशन में नीचे गिर रहा है भाई, धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे, पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है भाई, लग रहा है बहुत धीरे धीरे नीचे गिर रहा है यार, पता नहीं भाई कौन है भाई, देवा। तो भाई नीचे गिर जाता है, और भाई तुम्हारे भाई को मिलता है M249 द बीस्ट गन, और तब हमारे भाई को पता चलता है कि भाई फ्लेयर भी चली थी और फ्लेयर गिरी थी। तो भाई समझो नशे किसे कहते हैं, देख लो तो भाई हमारा भाई बोलता है उसको MK चाहिए था, लेकिन उस बेचारे को पता ही थे नहीं कि MK तो आया ही नहीं। तो भाई थोड़ा सा उड़ने धोने के बाद हमको पता चलता है कि हमारे पास M16 था, उसके बाद हम फटाफट स्कारल उठाते, नहीं तो कोई बंदा चोरी कर लेता। तो स्कारल उठाने के बाद भैया देखो क्या होता है, देख लीजिए भाई ये कोई बंदा मतलब सही नॉक होता ना सही में मजा आता भाई। उसके बाद फुटस्टेप आता है बॉट का जिसको हम पता ही पीलते हैं भाई, सुनो टीममेट क्या बोल रहा है भाई, तुम बस सुनो ठीक है, सुनो टीममेट क्या बोल रहा है भाई। तो उसके बाद जो है हम इस वाले वेयरहाउस पे आते हैं भाई, वेयरहाउस पे आते ही मेरे को बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं। तो भाई फुटस्टेप आने के बाद भाई देखो क्या ही मारते हैं इस बॉट को, पता ही हेडशॉट और पिक पाक करके पेलेंगे भाई, प्रो बन चुके हैं भाई, पिक पाक करके पेलना तो बनता था। तो भाई मैं फट से M4 उठाता नहीं तो झट से मेरे बंदे उठा लेते। तो भाई अब बस देखते जाओ क्या ही मतलब भाई क्या ही क्लच होने वाला भाई इस वाले क्लच के लिए भी यार, एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक और सब्सक्राइब बंद कर दो यार, कर दो लाइक अभी तो नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगे तब मारूंगा अगर ठीक है, चलो इसमें नहीं करोगे ना तो भाई बाद में बहुत सारे क्लचेस आएंगे उनमें कर देना यार, कंजूस मत बनना भाई, कर देना यार कर देना। तो ये हमारा भाई कतई यार का सप्रेस सुपर से मार करता, और हमारा गुर्जार भाई कतई सिक्सेस चोरी करने के मूड में, और आई ये बाइक, सॉरी बाइक नहीं सच में बग्गी थी, गलती हो जाती है भाई पहली पहली कंट्री हो जाती है गलती। और भाई क्या इस क्या ही मारा है भाई, क्या ही मारा है, बंदों को देखने तक नहीं दिया भाई, क्या ही मारा है। अब भाई देखते जाओ इतना ही काफ़ी नहीं है भाई, देखते जाओ क्या ही किल चुड़ाऊंगा मैं बंदों की भाई, क्या ही किल चुड़ाऊंगा भाई। पता नहीं कैसी ये बोट ना तभी आते हैं जब ना सामने मतलब स्क्वाड और फाइट रहती है, थर्ड पार्टी करते हैं भाई। भाई सही बात है भाई, टीममेट बोल तो सही रहा भाई, बोट लोग खतरनाक वाले पाप दे रहे होंगे यार, जिन बंदों को मैंने कभी गाड़ी में ही मार मतलब उतरने तक नहीं दिया भाई, उससे पहले तक ही मार दिया भाई, सही में गाली दे रहे होंगे भाई।
भाई तुम बस देखते जाओ, अब क्या ही किल छुड़ाने वाला हूँ भाई, क्या ही किल छुड़ाने वाला हूँ, देखते जाओ बस। तो भाई मैं इधर पे अपने टीममेट को मुंह पे बोल देता हूँ, भाई तू मर लेकिन मुझे कंटेंट चाहिए, तब देखो क्या ही किल छुड़ाऊंगा भाई। सही में भाई मजा आ गया, ओ भाई कते फ्री का किल मिल गया था इसे भाई, मजा आ गया सही में। अबे मैं हमारे कितने किल चोर रहा है भाई, ये खा दो किल दे दे भाई, केडी 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 नाम पता है। तो भाई हमारे टीममेट का तो हमको केडी के बारे में सिखा रहे हो भाई, समझ रहे हो, अलग लेवल के मतलब बंदे हो रखे हैं भाई। चलो जो भी है कोई नहीं, तो भाई जब तक मैं इधर से निकलता ना मुझे लगता है यार एक को तो नॉक कर ही दूंगा, लेकिन लेकिन हमारे बंदों का किल के भूखे रश करने के मूड में। अब भाई तुम देखो यार, ये मैं अगर किल नहीं उठा सका ना जल्दी चल, तो भाई पता नहीं क्या करूंगा भाई, देखते जाओ। अब गेस करो कि यार क्या मैं इस बंदे को किल कर पाऊंगा, अगर मैं इसको किल नहीं कर पाया तो भाई मेरा नाम चेंज कर देना भाई। मैं मजाक कर भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई, प्लीज यार नाम चेंज मत कर देना। तो भाई नाम चेंज के बहाने भाई हम आते हैं रोजॉक, और रोजॉक में आने के बाद हमारे गुर्जर भाई ने एक को नॉक कर दिया, तो एक को नॉक करने के बाद भाई कतई उधर से फायरिंग आने लगती है, तो भाई मैं सीधा घुस जाता हूँ किल के लग लेते हैं। और भाई बेचारे सब गुर्जर का किल चुरा लिया गया, और भाई गुस्से में पता ही गुस्से में आगे बढ़ते हुए बंदे हमारे भाई, इस बंदे के नशे देख रहे हो, मतलब भाई नशे देख रहे हो भाई, मतलब कपड़े कौन से पहने, मतलब चार जानवर से पहन के बंदा ऐसे हरकतें कर रहा है, तो भाई क्या ही बोलूँ। अब देखो मुझे जो है लेफ्ट में बंदे पहले दिखे नहीं, ठीक है, देखते हो बस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ यही बंदे जो है मुझे पहले दिखे नहीं थे, ठीक है। तो भाई मैं समझ रहा था कहाँ से पड़ी, क्योंकि तब मेरा जो फ़ोन का जो ब्राइटनेस था मैंने बहुत कम करके रखा था, पता नहीं क्यों क्यों कम करके रखा था मैंने, जो भी है मैं कम करके रखा था, लेकिन भाई मैं बच जाता हूँ यार, मैं बच जाता हूँ। गुर्जर ने क्या ही क्लच किया भाई बंदों को, क्या ही क्लच किया भाई, मेरे लिए नहीं तो यार गुर्जर के लिए, गुर्जर की क्लच के लिए तो भाई लाइक बनता है भाई, कर दो यार लाइक कर दो। और यार हमारे पीएन भाई क्या ही बात बोल जाता है, दिल को छू जाता है बात। तो भाई ये दिल को छू जाने की बात हम कभी नहीं बोल सकते हमारे पीएन की, और हम बीस्ट मोड में आ चुके हैं, और बीस्ट मोड से देखो क्या ही फेलेंगे बंदों को, मतलब भाई बंदे तो मन मिलेंगे नहीं, गुर्जर ने सब खत्म किया रहेगा। तो देखते जाओ भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब क्या ही बंदों को खेलूंगा भाई, देखते जाओ बस भाई। ऑल डेड, ऑल डेड ब्रो, हमारा टीममेट कतई पहला क्लच करके ऑल डेड बोलते हैं, मतलब दिमाग खराब है इसको, कतई है बॉट को कतई हेडशॉट से खेलेंगे, और हमारे टीममेट लोग जलन के मारे मर रहे हैं भाई, मर रहे भाई, मरने दो जलन होने दो। चला मैं नॉक हो गया तो भाई पूरा स्क्वाड क्लच मार गए। तो भाई स्क्वाड क्लच मारने के बाद जो इधर अंदर शेल्टर के इस वाले मेंशन से जो है फायरिंग आती है, तो भाई हम इधर आके रुकते हैं, तभी मेरे को फुटस्टेप आ जाते हैं बंदे के। तो भाई देखो इन दोनों को एक साथ क्या ही क्लच करते हैं, इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दो यार इसके लिए भाई, बंदों को देखने तक का वक्त नहीं है भाई, इसके लिए यार एक लाइक बनते यार, एक लाइक बनता है भाई, कर दो। देखने तो देता भाई, तेरे को पाप पड़ेगा पाप भाई ये, लेकिन भाई मतलब बोल सही रहा भाई मेरा बंदा, लेकिन पता है ये बोल सही रहा भाई, भाई डेप को सुख शांति मिलती है भाई, देवा तभी तो भाई, भाई किल लेकिन तो भाई सबको सुख एंड शांति मिलती है ना भाई, सुख एंड शांति कब मिलती है, जब तुम्हें किल और चिकन दोनों मिल एक साथ जाते हैं। तेरे को सक्सेस मिल गया तुम, मैं मांग लूं कुछ मतलब देख रहे हो भाई इधर सामने बंदे और ये मतलब ये सब बात बोल रहे हैं, तो भाई जाते जाते एक को नॉक करके आएंगे भाई, एक को नॉक करने के बाद मैं कतई रश मारने के मूड में था, लेकिन मेरे दिमाग में प्लान आता कि इसको क्यों मैं नॉक किया जाए, जैसे मतलब भाई कैसे हो सकता है यार, ये गिली वाला बंदा पता नहीं कितने ही गोली खाया भाई, तुम लोगों ने देखा होगा यार कितना गोली खाने के बावजूद साला पता नहीं नॉक कैसे नहीं होता। तो अब देखो यार टीममेट को क्या ही बेट बनाते हैं, खतरनाक बेट बनाया जाता है। अब तुम देखो भाई पहले टीममेट नॉक हुआ तो भाई पहले लूटना उसके बाद रिवाइव देना, हमारे टीम में तो भाई यही माना जाता है,
लेकिन इस बार भाई मैं नियम तोड़ देता हूँ, मैं आके रिया देता हूँ अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि भाई देखो अच्छे बंदे जितने होंगे भाई टीममेट उतने भरोसा करते हैं, तो भाई मैं आके रिया देने लगता हूँ। और भाई मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे ख्याल से ना ऊपर ड्रॉप थे, उधर बंदे आ सकते हैं, तो भाई देख के लूटना, देख के लूटना। मैं कई बार बोलता हूँ भाई, मैं कई बार बोला था इनको, अब तुम देखो भाई मैं जो बोला था वो सच निकलेगा, तुम देखते जाओ भाई। तभी एक तो बग्गी आई, अब भाई बग्गी की ग्लिच और मतलब बैड लक खराब हो गया भाई, बेचारे की जिंदगी उजड़ गई भाई, एक बग्गी मतलब वर्ल्ड खजाने के कारण से भाई। एक एक मतलब एक लाइक तो यार इस बंदे के लिए बनता है भाई, रिप हिम भाई, रिप हिम भाई, आरआईपी आरआईपी एनिमी भाई भाई, आरआईपी बग्गी भाई, आरआईपी बग्गी और एनिमी। तो भाई जब मैं बोल रहा था कि ऊपर से बंदे आ सकते हैं, तो भाई मैं जो देख ही रहा था कि सर तो अभी क्या स्प्रे गिरता है, और हमारे मतलब भाई मतलब पीएन को नॉक कर दिया जाता है, नहीं पीएन को नहीं भाई, किसको नॉक करते हैं यार, साला दिख भी नहीं रहा। हाँ हमारे डीजे भाई को नॉक कर दिया जाता है, तो भाई उनको अच्छे खासे तरीके से रिवाइव मिल जाएगा। तो भाई मैं एयूजी से थोड़ा सा मतलब प्रो स्कोपिंग करता हूँ भाई, रिकॉल कंट्रोल जानते होगे तुम लोग मेरा, स्काउट से भी मतलब भाई स्काउट बच्चा है भाई मेरे सामने, क्या समझ के क्या रखे हो, प्रो हूँ। तो मतलब इसके बाद जो है स्प्रे देने की कोशिश, और हमारे सब गुर्जर भाई सस्ता AWM का शॉट हेडशॉट पटकाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब क्या ही गाना बना है। तो भाई मैं जो है फटाफट इस ए मौका लेके अंदर जाता हूँ, और हमारे डीजे भाई को रिवाइव देते हैं सब गुर्जर भाई। तो भाई वो बंदे जो एक खतरनाक ही नेड़ मार रहे थे, तो भाई मुझे लगता है ना एंगल चेंज करके मारना पड़ेगा सालों को। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ यार, इधर बहुत देर तक बैठा हूँ भाई, एक हेडशॉट ही नहीं मार पाता यू जी का, देखो एक ही हेडशॉट लगता है यार बंदे को, लेकिन ये स्नाइपर थोड़ी है, मतलब साला किधर से मार रहा है भैंसोद, समझ भी नहीं आ रहा, साला दिख ही नहीं रहा भाई, मतलब भाई क्या ही बताऊँ, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा भाई। पीएन बेचारा अकल का मारा, मुझे लगता है भाई कोई ग्रेनेड तो नहीं कर दिया, लेकिन उसको लगता है भाई नहीं स्मोक किया भाई, मतलब जिंदा है अभी भी। तो भाई इसके बाद जो है मतलब मुझे लगता है ना कि अभी मुझे ना साइड से फ्लैंक मार कर रश मार देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है भाई नहीं यार अभी जाना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी तो नहीं जाता, लेकिन देखते जाओ मैं करता हूँ फ्लैंक, और वो काम भी आएगा देखते जाओ बस। इसको जो एक हेडशॉट मारता हूँ मैं, लेकिन साला नॉक नहीं होता, क्योंकि एयूजी है भाई, स्नाइपर नहीं है, भूल मत जाना। तो भाई अब देखो यार क्या ही नॉक करते हैं हमारे गुर्जार भाई। तो इसके बाद हम भी जो है फुल चुल मचते हैं कि मैं एकदम कतई खतरनाक ही तरीके से जो है इन पे मतलब फ्लैंक मार के रश मार दूँ, लेकिन उसके बाद फिर से लगता है कि भाई अभी जाना सही नहीं होगा। तो भाई सब गुर्जार बुलाता है कि भाई हमारे इधर आ जाओ, इधर पे इधर से बंदे अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो भाई मुझे यहाँ के घंटा कुछ नहीं दिखता। तो भाई पीएन बोलता है कि उसका वेस्ट जिंदा है नहीं, मरा हुआ वेस्ट है, मतलब डेड वेस्ट है, मतलब बेचारे का वेस्ट है ही नहीं। तो भाई पता नहीं कि मुझे जैसे लगता है ना भाई एक ग्रेनेड आएगा ना दोनों नॉक हो सकते हैं। तो भाई मैं मतलब सोच रहा था निकलने के लिए, तो गुर्जार भाई जब भी नॉक करते हैं ना भाई, तभी मुझे लगता है ना रश मार देना चाहिए भाई, रश मार देना चाहिए। तो भाई मैं ना साइड से ना फ्लैंक मारने के लिए जा रहा था, तभी देखा कि भाई एमो थोड़ा सा मतलब कम है यूजी का, तो मैं सीधा उधर से फ्लैंक मार के जो है मतलब प्रिजन के इस वाले साइड आता हूँ, और एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को। अब तुम देखो भाई क्या ही नॉक करते हैं इसको, ये एक नॉक हुआ। तो भाई मेरे को लगा भाई सीधा रश मार देना चाहिए, तो भाई मैं उठता हूँ और सीधा निकल जाता हूँ, और भाई पीछे से भी याद रखना पीछे से ही फायरिंग आई थी बंदे की। तो भाई मैं जो है इसको याद रख के जा रहा था, क्योंकि भाई बहुत बार पीछे से भाई थर्ड पार्टी होते हैं या फिर स्कैम हो जाता है, तो भाई मैं देख देख के जा ही रहा था मतलब। तो भाई तभी जो है बंदों को भी खुजली होती है कि उनको भी किल चाहिए रहता है। और भाई हमारे डीजे भाई को उधर ही रोकने के लिए बोल दिया जाता है, कतई नाइंसाफी पेली जा रही है, और हमारे गुर्जार भाई और पीएन भाई दौड़े मतलब यूजर लेके भाई आ जाते हैं जल्दी से। अब तुम देखो यार एक किल मेरे हाथ से चला जाएगा यार, जिसको मैंने नॉक किया था साला, मतलब तुम देखो भाई भाई आते ही साला जिसको रिहाई किया था उसको नॉक कर दिया, मतलब देख रहे हो। और ये कतई M249 का दम बहुत हार्ड स्प्रे देके इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो भाई इसको ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा लूटा पार्टी चलेगा, आपको देखना है तो देखो, नहीं तो ये जगह स्किप कर सकते हो, लेकिन यार नहीं स्किप करना यार, नया खोला हूँ। तो भाई इनके लिए जो एक इमोट देना तो बनता है भाई, एक इमोट तो बनता है इनके लिए। तो यार मैं वापस आ चुका हूँ भाई, भाई थोड़ा सा सॉरी यार, मतलब थोड़ा सा काम आ गया था ना, तो भाई थोड़ा सा जाना पड़ गया था, लेकिन भाई मैं फिर से आ चुका हूँ भाई, क्या दिक्कत है। तभी हमारे डीजे भाई को नॉक कर दिया जाता है, क्योंकि देखो देखो भाई इनमें तो यार उनकी गलती है, कि उसकी गलती थी भाई, मैंने बोला था यार उधर से फायरिंग आ जाए, देख के आना देख के आना,
और हमारे डीजे भाई नशे में और एकदम फुल चौड़ में आ रहे थे, तो भाई ऐसा होना ही था। ठीक है, तो भाई मतलब रुकने के लिए कह ही रहा था, लेकिन भाई उन्हें पता नहीं कि हम प्रो थे। अब भाई किल चोरी हुआ भाई, अब तो गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, स्केल से गॉड लेवल हो गई थी। अब कैसे छोड़ सकते थे यार बंदों को। तब देखते जाओ भाई, पूरा स्क्वाड मैं ही खाऊंगा भाई। मैं ठान लिया था कि भाई इन स्क्वाड को मैं ही फेलूंगा भाई, ठान लिया था। सीधी बात तो ये है, तुम देखो यार क्या कुत्ते की मौत मारते हैं सालों को। अब तुम देखो इधर से ना बंदे ने भाई क्या ही फायरिंग दी थी, है तो भाई हमारे पीएन भाई को तो ही रुका देते हैं इधर पे। अब देखो यार क्या ही फेलेंगे इनको। साला ने स्प्रे दिया लेकिन नॉक इसको मैंने किया। अब साला एक केएम वाला भी एक बंदा था जिसको भाई मैं ही फेलूंगा, देखते जाओ क्या ही फेलते हैं उसको। मैं पता नहीं क्यों लेकिन मैं पीएन पे फायरिंग करने लग गया, मतलब भाई मुझे खुद समझ में नहीं आया था मैंने क्यों किया। लेकिन उसके बाद जो है भाई मैंने मतलब एडम को खोना रिलोड करने से ज़्यादा अच्छा पीएन को रिवाइव देना समझा, तो भाई कतई स्मोक वोक भी आके गिर रहे थे। मतलब पीएन तो नहीं, मतलब भाई सब गुजर को मतलब भाई समझ सकते हो यार, थोड़ा गलती हो जाता है। तो भाई पता नहीं क्यों यार मेरा मतलब एम ऐसा क्यों होने लग रहा है भाई, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन पता ही खतरनाक चिकन डिनर हुआ है। और भाई वो भी 20 किल के साथ, तो भाई इसके लिए तो भाई मतलब लाइक तो बनता है भाई, इसके लिए लाइक तो बनता है। कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Let me in, yeah.